रहमान रहीम, आज हम एप्पल मिल्क शेक बनाएंगे और ये बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है डेट के साथ यानी खजूरों के साथ। तो ये देखें कितना अच्छा बना है। आप भी आज हो सकता है कि लास्ट वाला रोज़ा हो या इसके बाद भी हो, बहरहाल आप बनाइए और इन्जॉय करें। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। आज हम एप्पल मिल्क शेक बनाएंगे। उसके लिए हमने 4 टेबल स्पून ड्राई मिल्क लिया है। किसी भी ये कंपनी का आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं नीडो, कोई भी आप जो आपको अवेलेबल है जो आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हैं। 2 हमने एप्पल लिए हैं, 7 खजूरें ली हैं, क्योंकि खजूरों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने 7 खजूरें खाई वो जादू के असर से महफूज रहते हैं। उन्होंने तो कहा था उजवा खजूरों के बारे में, लेकिन आलम अक्सर कहते हैं तफसीर करते हुए कि किसी भी किस्म की खजूर आप खा लें तो वो वही फ़ायदा देती है। ये कंटेंसिस मिल्क लिया है हमने और ये मिल्क लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ड्राई मिल्क डालेंगे। ये 7 खजूरों से की हमने गुठलियाँ रिमूव कर दी है। पहले दूध थोड़ा सा डाल के हम ग्राइंडर को चलाएंगे, उसके बाद कंडेंसेस मिल्क डालेंगे। ये देखें कितना थिक हो गए। अब हम इसमें मिल्क भी और डालेंगे, ऐड करेंगे, और ये कंडेंसेस मिल्क भी। हमने इसमें खजूर डाली है और हम चीनी नहीं डालेंगे। क्यूब्स डालेंगे हम। और फिर इसको अच्छी तरह देखें हमारा कितना थिक सा तैयार हुआ है, जैसे हम बाहर से लेते हैं। आप भी बनाइए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखना।